अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सिलाई क्लास का सेकेंड डे पार्ट टू। आज हम मेजरमेंट मेथड जानेंगे। सिलाई में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए उसका सही माप लेना, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको एक तरीका ये आता है कि डायरेक्ट मेजर सिस्टम, सामने खड़े होकर नाप लेना। तो जैसे टेलर्स लोग करते हैं, उनके सामने क्लाइंट खड़ा होता है और वो उनका नाप लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि नाप, सामने क्लाइंट खड़ा हो तो उसका नाप कैसे लेना है। अब मेरे पास यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है जिसका मैं आपको वीडियो में लाकर दिखा सकूं। तो यहाँ पर मैंने बुक में ये बॉडी शेप बना लिया है, ड्रॉ कर दी हूँ मैंने, और आपको ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि कौन से पार्ट से कहाँ तक नाप लेना है और कैसे नाप लेना है। सो सबसे पहले हम आज यही सीखेंगे कि नाप कैसे लेना है, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं और कैसे बन। जब भी आप किसी का नाप लो तो शोल्डर से स्टार्ट किया जाता है। पहले तो आप फुल लेंथ उनके ड्रेस की पूछ सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम शोल्डर से स्टार्ट करते। तो शोल्डर जानने के लिए, हमारे शोल्डर पर हड्डी होती है, तो इस तरफ एक हड्डी होती है और इस तरफ एक हड्डी होती है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने नाप लेना है जब आपका क्लाइंट खड़ा होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप शोल्डर का नाप लो, आपने फ्रंट साइड से नहीं लेना है, बैक साइड से लेना है। बैक साइड से हमें शोल्डर का नाप लेना है। ये शोल्डर है और ये बैक साइड, यहाँ पर मैंने लिखा है बैक साइड से हमें इसका नाप लेना है। तो इस हड्डी से लेकर हमें इस हड्डी तक इसका नाप लेना है, ना यहाँ से ज़्यादा और ना यहाँ से कम। बराबर अगर आप हड्डी से माप लोगे तो एकदम परफेक्ट आपके शोल्डर बैठेंगे। तो ये हड्डी बहुत सही मेजरमेंट का से ये होता है कि किस तरीके से हमें शोल्डर नापना है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला काम है, बहुत लोगों को नहीं समझता है कि शोल्डर कैसे नापना है। तो एक हड्डी से दूसरे हड्डी तक आपने नाप लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है चेस्ट। तो चेस्ट कैसे लेते हैं, ये हो गया हमारा आर्म होल। तो यहाँ से आधा इंच नीचे या एक इंच भी आप ले सकते हैं, ये हो गया हमारा चेस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक हमें नाप लेना है, पूरा राउंड करके हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो अब बराबर आपने यहाँ पर मेजर टेप पकड़नी है। जैसे आप राउंड लोगे तो पीछे से कभी कभी मेजर टेप नीचे की तरफ आ जाती है, जिससे माप सही नहीं लिया जाता। अगर आप ये माप सही लोगे तो आपका ड्रेस की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। तो आपने ये वाला माप सही से चेस्ट का लेना है। अब जो भी आपका चेस्ट आता है, जैसे अगर यहाँ पर आपने शोल्डर ले लिया तो शोल्डर अगर 13 आते हैं तो 13 आपने पहले लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसे कैसे एडजस्ट करते हैं और फिर कैसे कटिंग में लिया जाता है। अब चेस्ट यहाँ पर अगर आपका 32 आता है तो यहाँ पर आपने लिख लेना है चेस्ट के, चेस्ट 32 है। अब आते हैं वेस्ट के पास। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कमर, कमर का नाप कैसे लेते हैं। एक तो आता है कि कमर की गोलाई, वेस्ट जिसे हम कमर कहते हैं, एक कमर की गोलाई आती है और एक कमर की लंबाई आती है। तो कमर की लंबाई कहाँ से कहाँ तक लेते हैं और कमर की गोलाई कैसे लेते हैं, वो मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर से लेकर अपने क्लाइंट को आपने कहना है कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहे। जहाँ पर उनकी कोनी आती है, ये कोनी आ गई, कोनी पर आ गई आपकी कमर। आप देखोगे कि आपका क्लाइंट जब खड़ा रहता है तो उसके हाथ की जो कोनी आती है वो बराबर कमर को लगेगी। तो वो कमर, या फिर एक आप देखोगे कि कमर की तरफ एक शेप बना होता है, तो ये जो अक्सर ऐसा शेप होता है, तो ये जो राउंड की तरफ अंदर की तरफ गया हुआ जो शेप होता है, ये होती है हमारी कमर। तो ये कमर आपने देखना है। और ज़्यादातर आप देखोगे कि क्लाइंट जब आपका खड़ा रहता है तो कोनी उनकी बराबर कमर की तरफ आती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कमर का नाप लेना है। तो जो भी आपका नाप आता है, 14 आता है, तो आपने कमर की, वेस्ट की लेंथ, यहाँ पर मैंने लिखा है वेस्ट की लेंथ, तो आपने लिख लेना है यहाँ पर जो भी लेंथ आती है, 14 आती है, 15 आती है, जो भी आपकी कमर की लंबाई आती है वो यहाँ पर आपने लिख लेना है। उसके बाद में बात आती है कमर की गोलाई की। तो यहाँ पर जो लंबाई जहाँ पर आती है वहीं से हमने बराबर एक राउंड शेप में नाप ले लेना है। पूरा बराबर आपने कमर का नाप ले लेना है, पीछे से मेजर टेप निकाल कर आगे की तरफ लाकर कमर का जो राउंड लेकर जो नाप आएगा वो आपने यहाँ पर कमर पर लिख देना है। जो भी आपका आता है 13 इंच आता है तो लिख ले। उसके बाद में बात आती है हिप की, हिप यानी सीट। तो सीट के लिए हमें
यहाँ से लेकर सीट तक लेंथ ले लेनी है पहले। तो वो आपने कैसे लेना है, एक इसका एक और तरीका ये होता है कि जब क्लाइंट आपका खड़ा होता है तो इसकी कलाई जो है ये आपकी बराबर हिप तक आती है। तो आप एक बार खुद भी खड़े रहकर चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर अपनी कलाई तक जो हिस्सा आता है वो सीट का, या फिर आप कुर्ती का नाप ले रहे हैं तो आपने पूछ लेना है कि कट की लंबाई, जो ड्रेस का जो हमारा कट आता है यहाँ से पार्ट खुला होता है ड्रेस का, तो वो आपने पूछ लेना है कि आपने कहाँ रखना है। बहुत सारे क्लाइंट्स ये कट जो होती है ये सीट ये थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं, कुछ लोगों को नीचे लगता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो ये काम आपका है कि आपने उनसे पूछ लेना है कि आपने कट की लंबाई कितनी रखनी है। ये कलाई तक वैसे अगर उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से रख लें तो ये कलाई वाला माप बिल्कुल परफेक्ट होता है। उन्हें कहें कि स्ट्रेट खड़े रहे और ये कलाई तक आपने नाप लेना है। ये हो गई हमारी सीट। ओके, तो अब ये जो सीट की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक सीट की लंबाई आ गई। अब जहाँ तक आपने इसकी लंबाई ली है वहीं से आपने इसकी गोलाई भी लेनी है। तो यहाँ से आपने ऐसे इसकी गोलाई लेनी है, ये सीट की गोलाई आपने ले ली। अब आपने यहाँ से यहाँ तक की जो सीट की लंबाई है वो आपने यहाँ पर हिप की लंबाई आपने यहाँ लिख लेनी है। जो भी आता है 20 आता है 19 आता है तो आपने यहाँ पर ये लिख लेना है। अब सीट की गोलाई अगर आपकी आती है 36 तो आपने यहाँ पर लिख लेना है। जो भी आपकी माप आता है वो आपने यहाँ पर ऐसे पहले लिख लेना है। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद अगर आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आपने ज़रूर से उसके पेट का यहाँ पर टमी का माप लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आप देखोगे कि कुछ क्लाइंट्स के यहाँ का पोर्शन, कमर का पोर्शन अंदर की तरफ होता है और उनका पेट बाहर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत फिटिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर उनकी कमर की तरफ हम माप लेते हैं और सीट का माप लेते हैं, उसके बाद में अगर हम पेट का माप नहीं लेते तो जो हम शेप देंगे वो डायरेक्टली आप ऐसा दोगे, तो वो शेप देते वक्त जो हम फिटिंग देते हैं तो उसमें यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने एक बार टमी का पेट का माप ले लेना है। ये पेट का हिस्सा है, अगर मोटे और हेल्दी पर्सन है तो ही आपने लेना है, वरना अगर पतला इंसान है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये माप लेने की। तो आपने एक बार चेक कर लेना और फिर आपने ये माप लेना है। अब अगर लगता है आपको ये माप लेने की ज़रूरत है तो लेकर फिर आप यहाँ पर लिख लो। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपने यहाँ पर पूछ लेना है कि आपको फुल लेंथ कितनी चाहिए, घुटने तक चाहिए, घुटने से नीचे चाहिए, फुल लॉन्ग लेंथ चाहिए। तो जितनी भी आपको यहाँ से लेकर शोल्डर से लेकर यहाँ नीचे तक जितनी भी आपने लेंथ लेनी है वो आपने फुल लेंथ यहाँ पर लिख लेनी है। 40 इंच, 30 इंच, 34 इंच, 35 इंच, जो भी आपकी फुल लेंथ आती है यहाँ से यहाँ तक वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब ये सब कुछ होने के बाद इतना माप लेने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर स्लीव्स पर। तो ये जो हड्डी का हमने माप यहाँ पर लिया है शोल्डर के लिए, यहाँ से आपने स्लीव्स के लिए नाप लेना है। अगर अब क्लाइंट को आपने पूछना है कि आपने हाफ स्लीव्स रखनी है, पौनी रखनी है या फुल रखनी है, जितनी भी आपको स्लीव्स की लेंथ रखनी है आपने यहाँ से मेजर टेप रखना है और फिर नाप लेना है। अगर उन्हें हाफ स्लीव्स रखनी है तो यहाँ पर 6 आता है, 6.5 आता है, तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की लेंथ लिखी है। तो जो भी आता है 6 या 7 आपने पहले उसकी लंबाई यहाँ पर लिख लेनी है। फिर बात आती है कि स्लीव्स के बॉटम की, अगर आप यहाँ तक रख रहे हैं तब भी आपने स्लीव्स का बॉटम लेना है, यहाँ तक की लंबाई है तब भी आपने स्लीव्स का बॉटम लेना है। तो ये हो जाता है स्लीव्स का बॉटम। आप अपने हिसाब से जितनी आपको लेंथ चाहिए या यहाँ पर जितनी आपको लेंथ चाहिए आप इस तरीके से यहाँ पर मेजर टेप रखकर पूरा गोल राउंड लेकर यहाँ तक आपने नाप लेना है। अब ये बॉटम फुल राउंड अगर आपका 11 आता है, 12 आता है, जो भी आता है आपने यहाँ पर लिख लेना है। ये हो गई हमारे स्लीव्स का माप। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ आर्म होल। ये जो राउंड होता है ना गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो माप होता है इसी पर पूरा डिपेंड होता है हमारा जो ये फ्रंट का शेप होता है ड्रेस का। अगर हम ये सही नहीं लेते हैं तो या फिर ड्रेस में खिंचाव आता है या यहाँ पर झोल आ जाती है, ये लूज़ हो जाता है। यहाँ चेस्ट की जो फिटिंग होती है ये आर्म होल पर बहुत डिपेंड करती है। तो ये माप आपने सही लेना है। तो यहाँ पर आर्म होल, तो यहाँ पर हमें आर्म होल को बहुत लोग गोलाई भी कहते हैं,
बगल की गोलाई, तो यहाँ पर गोलाई भी हम लिख लेते हैं। ओके, तो आर्म होल लेने का तरीका, ये जो हड्डी का हमने निशान बताया है आपको शोल्डर के लिए, ये हड्डी से आपने मेजर टिप रखनी है। अब यहाँ से आपने मेजर टिप चेस्ट के पास से डालकर बराबर पूरी गोलाई पर लेकर ऊपर तक लेना है, पीछे की तरफ से यहाँ तक वापस आ जाना है। अब यहाँ पर जो भी आता है आपका आर्म होल, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब आपके हिसाब से यहाँ पर 18 आ रहा है, 17, 16 जो भी आता है वो आप यहाँ पर टोटल गोलाई यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये हो गया माप। अब मैंने हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर ली है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पर लिख लेना है एक बुक में। इस तरीके से अगर आप शेप बनाते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे माप लेना है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। या फिर अगर आपके घर में कोई पर्सन है जिसका आप बॉडी माप ले सकते हैं, तो एक बार मेरे बताए हुए तरीके से आपने अच्छे से माप ले लेना है। सो गाइज, आई होप कि ये आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दें। और बेल नोटिफिकेशन आएगी तो वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी जो आप लोगों के लिए लाना ज़रूरी है सिलाई के लिए, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। उसके बाद में ये जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो मैंने प्रैक्टिकल बुक आपको एक लाने के लिए कहा था, उस पर आपने एक तरफ ये बना लेना है और एक तरफ ये सब कुछ लिख लेना है। अगर आप ये करते हैं तो आप लोगों के लिए आगे जाकर बहुत सहूलत हो जाएगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये जो माप होता है 32, तो डायरेक्टली हम कपड़े पर कैसे नाप लेते हैं, तो पहले हम पेपर पर देखेंगे, उसके बाद में हम कपड़े पर जानेंगे। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।